टॉपिक है सेल। जैसे मकान बनता है तो उसका निर्माण ईंटों के द्वारा होता है, ईंट रख रख के मकान की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की संरचना कोशिकाओं के द्वारा होती है, कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि सारी क्रियाओं का संपादन भी कोशिका ही करता है। कोशिका का खोज डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी यानी 1665 में दिया। उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा खोजा, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देती। अब आता है कोशिका में सेल नंबर। कोशिका में कितने सेल्स होते हैं? कोशिका में एक सेल यानी एक सेल वाली कोशिका को यूनिसेलुलर और एक से ज्यादा सेल वाली कोशिका को मल्टीसेलुलर कहा जाता है, यानी बहुकोशिकीय कहा जाता है। यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट इत्यादि आते हैं। आप लोग अमीबा का नाम तो सुने ही होंगे। अमीबा जो है अपने एक ही सेल के द्वारा एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन सब कुछ वो कर सकता है। एक सेल में उसकी सारी संरचना भी है और क्रिया भी उसी सेल के द्वारा वो कर सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, सेल साइज। सेल के साइज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कोई ओवल शेप, रॉड शेप, सिलेंडर शेप, शंकु के जैसे, कोन शेप, अलग अलग सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारा भी इतना बड़ा शरीर है जो कि कोशिकाओं से बना हुआ है, तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। एक जगह के विशेष टिश्यू मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं, यानी एक काम को करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ढेर सारे ऑर्गन अंग पाए जाते हैं, जो एक प्रकार की कोशिकाएं यानी टिश्यू के द्वारा उस कार्य को कर दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग सेल शेप। सेल शेप तो स्टोमाटा जो है वो किडनी के जैसा, जो स्टोमाटा लीव्स में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, वो किडनी के आकार के होते हैं। जो उसका सेल का शेप किडनी के जैसा होता है। हमारे शरीर में WBC पाए जाते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत कोशिकाएं जो रक्त में पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, वो भी अनिश्चित आकार की, यानी उसका शेप निश्चित नहीं होता है, जैसे अमीबा का शेप निश्चित नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल। सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सेल में मुख्य रूप से तीन पार्ट्स पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन सेल के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है, जो सेल को आकार प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है। इन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल पाई जाती है, यानी दीवार। उसके द्वारा सेल को दृढ़ता प्रदान करता है और सेल को बाहर धूप गर्मी से सब चीज में वो बचाने में मदद करता है। अब आते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स इत्यादि। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि सेल को पावर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही मिलता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, कौन बनाता है उसको? राइबोसोम्स बनाते हैं। एक होता है इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। उसमें दो टाइप्स होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एक RER और एक SER। RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं जो उसको खुरदुरा बना देते हैं, जिसके कारण RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है? SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के दीवार पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, जिसमें फैट को सिंथेसिस किया जाता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अधिकतर सेल्स में सेंटर में पाया जाता है, या वो किनारे भी पाया जा सकता है, पेरिफेरल रीजन में पाया जा सकता है। सेंटर में पाया जाने वाला न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। न्यूक्लियस के जो बाहर का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो और भी छोटा होता है। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है और सेल के आनुवांशिक गुणों को भी ढोता है। जो हमारे अंदर गुण पाए जाते हैं, जितने भी डीएनए आरएनए सब कुछ पाए जाते हैं, सब कुछ सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के आधार पर सेल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रो यानी PRO, प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। आप कहीं भी प्रो देखेंगे प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मींस प्रारंभिक, जो हमारा प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है जो स्पष्ट नहीं होता है, उसे कहेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक। यू यानी ट्रू, ट्रू मतलब एक सच्चा सुस्पष्ट न्यूक्लियस, जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई दे वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का प्लाज्म, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इन दोनों प्लाज्म को जोड़कर मिलाकर एक प्रोटोप्लाज्म बनता है। और सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बिग होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वो छोटे होते हैं। प्लांट सेल में बिग क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट्स अपने वाटर को या किसी भी तरह के फैट्स, कोई भी सब्सटेंस को वो वैक्यूल्स में ले जा करके स्टोर कर देता है। स्टोर करने से उसको जब भूख लगेगी, पानी पीने का मन करेगा, प्लांट्स पी लेगा। हमारे जो ये होते हैं या बड़े बड़े जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर वैक्यूल्स, या छोटे एनिमल सेल्स, जो भी एनिमल सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल छोटे पाए जाते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट सेल्स में कलर प्रदान होता है, जो प्लांट सेल में कलर देता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, जिसके कारण उसके अंदर हरा होता है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है।